आज मैं आपको बताऊंगा 7 फीट हाई ट्रैक्टर उसको कैसे यूज़ करते हैं, रिंग लाइट की है, बेसिकली ये रिंग लाइट की आती है लेकिन उसको और भी यूज़ करते हैं, जैसे प्रोजेक्टर हो गया और मतलब स्टूडियो के लिए होता है, और ये पीछे बैकग्राउंड ग्राफिक्स के लिए भी आता है, जिसमें आपने हरा कपड़ा वाला देखा होगा, दो दो मतलब कि ट्रैकबोर्ड रख के उसके बीच हरा कपड़ा लगता है और पीछे का जो है बैकग्राउंड चेंज होता है, वो होता है किसी ऐप से और उसमें जो है ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया जाता है, मतलब कली के नीचे शेयर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा ये 7 फीट हाई ट्रैक्टर लाइट वेट है एकदम 200 से 250 ग्राम के बीच है, प्योर अल्मोनियम का बनाया हुआ मेटल है, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे करके इसको टाइट कर, ठीक है, इसको ऐसे करके टाइट कर, ये देखिए यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं बोल्ट लगा हुआ है जिससे ये टाइट होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है आपका नया, ठीक है, ये एकदम काफ़ी सही चल रहा है, ये वाला नट देखिएगा यहाँ पे नट है, ठीक है। अब इसको जो है ये नॉब को लूज़ करना है, ठीक है, लूज़ करना है तब ये क्या होगा, ऐसे इसको नीचे से ठीक है, नीचे से इसको दाबना है और उठाना है ताकि ये टूटे ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको टाइट वे में रख करके, ठीक है, और जो है इसको खींचने लगते, उससे क्या होता है टूट जाता है ज़्यादा ज़ोर से खींचने से। इसको पहले ढीला रखना है, ठीक है, अगर इसको ढीला नहीं रखिएगा, ये टाइट रहेगा, ऐसे खींचेगा तो यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ पे से भी टूट सकता है, आपका ट्रैकबोर्ड बर्बाद हो जाएगा सामने वाला, ठीक है। अब इसको हल्का सा लूज़ कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो है इसको ऐसे करके नीचे बेस से, ये ज़्यादा भारी है नहीं जिसकी वजह से आपको तकलीफ होगा इसको उठाना है, ठीक है, इसको ऐसे यहाँ से हल्का सा इसमें खेलना है और फिर ये ऊपर हो जाएगा। यहाँ से इसको जो है आ रहा है, ये वाला देखना पूछ है, इसको ऐसे करके टाइट करना है। अब देखो ये आ गया, यहाँ पे आ रहा है पूरा, ठीक है, ये और एक्सटेंड कहते हैं हाइट एक्सटेंड कहते हैं, तो बेसिकली अब हाइट एक्सटेंड इसको घुमाना, ठीक है। ये वाला जो नॉब है, ये वाला नॉब है, इसको जो है टाइट और लूज, ठीक है, टाइट लूज के लिए ऐसे करके इसको ये वाला दूसरा वाला आपको और करना, अभी तक तो ये 5 फीट आ गया, अब इसको चाहते हैं आप पूरा 7.5 फीट 8 फीट लेना, तो इसमें और उठा सकते हैं, इसमें इस वाले को लूज कीजिए, इसको इसको उठाइए ऊपर तक, देखिए ये कहाँ तक हाइट में चला गया, लगभग जो है ये 7 फीट है, 7, 7.5, 7.5 ऐसे ही हो जाता है इसका हाइट, ठीक है। आराम से आप यहाँ पे से जो है आप मेजर कर सकते हैं। मैं इसमें बताता हूँ कि आपको जो है कैसे इसमें कैमरा माउंट करना है, बॉल हेड माउंट करना है, कैसे आप इसको पोर्ट्रेट मोड में वीडियो खींचिएगा या वर्टिकल मोड या फिर लैंडस्केप मोड या हॉरिजॉन्टल मोड, इन दोनों तरीक़ों से कैसे आपको वीडियो बनाना है वो चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। पंखा की वजह से आवाज़ ख़राब हो गया होगा। अब देखिए इसको यहाँ से लूज़ कीजिए और इसको नीचे कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब इसको यहाँ से टाइट कीजिए, अब इसको यहाँ से लूज़ कीजिए हल्का, ठीक है, अब यहाँ से इसको टाइट कीजिए, ठीक है, आ रहा है वीडियो, हाँ ठीक है। अब इसको जो है मैं यहाँ से खोल रहा हूँ, अब वो खुल गया, गिर गया, हटा दिया,
अब क्या करना है, इसके ऊपर जो है बॉल हेड लगाना है। पहले बॉल हेड लगता है, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगता है। कभी कभार क्या होता है कि बॉल हेड अवेलेबल नहीं होता है, जब भी अवेलेबल होता है हम इसके साथ भेज देते हैं, नहीं तो आपको सेपरेटली खरीदना होता है। अब देखिए ये इसके ऊपर जो है डायरेक्टली भी लग जाता है, ऐसे करके आप लगा लीजिए इसको डायरेक्टली, इसमें कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप अपना फ़ोन जो है इसमें आराम से माउंट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले फ़ोन इसमें लगा लीजिए, तब जो है जा करके आप जो है वो फोन का। ये जो है अभी यहाँ से ऐसे उसको, ठीक है, ये इसको जो है एंटी क्लॉक वाइज हुआ है ये। ठीक है, ये खुलता जाएगा। 9.3 सेंटीमीटर तक का लेंथ है इसका ओपनेबल, और 9.3 सेंटीमीटर ऐसे करके जिसका साइज होगा वो आसानी से इसमें घुस जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आराम से इसमें आ गया, देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक मिनट लॉक है ये। ठीक है, अब इसको जो है आराम से लगा, ठीक है, ये है। ठीक है, ये दिख रहा है एकदम आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें बताता हूँ कि आपको बॉल हेड कैसे अटैच करना है। जो आपको जो है ऐसे करके भी 360 डिग्री रोटेशन देगा, और ऐसे करके भी 360 डिग्री रोटेशन देगा। ये रहा बॉल, ये वाला चीज़ है वो क्या करता है, आपको ये देखिए फोन इसके ऊपर लगाइएगा, फिर ऐसे कीजिएगा, ऐसे लॉक कीजिएगा, ये वर्टिकल मोड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको जो है इसके चारों तरफ घुमाना है, तो इस फोन को हल्का सा इसको लूज कीजिए और ये ऐसे करके चारों तरफ घूम जाएगा, वो भी मैं बताऊँगा कैसे। ठीक है, पहले इसके ऊपर आपको जो क्या करिए बॉल लगेगा, अब क्या कीजिए इसको जो है आप ऐसे ये वाला नॉब देख रहे हैं आ रहा है फोटो ना। ठीक है, ये वाला नॉब देख रहे हैं, इससे टाइट और लूज होगा, इसको भी टाइट कर दीजिए, इसको पूरा टाइट कर दीजिए, इसको भी टाइट कर दीजिए। अब आप देखिए ये इसके ऊपर आए, ठीक है, ये माउंट प्लेट, अब इसको ऐसे कैसे घुमाइए, आ रहा है इसका पूरा फोटो लेगा, 60 डिग्री रोटेशन देगा, और आ रहा है दिखा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 360 डिग्री रोटेशन कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अभी आगे ये तो अभी आपको दिख ही रहा होगा कि एकदम ऐसे करके घूम सकते हैं, ओरिएंटल का तो कोई इशू ही नहीं। ठीक है, ये आराम से ऐसे करके घूम जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे जो है वर्टिकल डायरेक्शन में ये 360 घूमेगा, ये देखिए आ रहा है इधर से पूरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ये है, यहाँ पे एक हल्का सा होल है। ठीक है, अब उसको आपको क्या करना है, फ़ोन को ऐसे करके जो है ऐसे कर देना है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप जो है ऐसे कर दीजिए, ठीक है, अब आप इसको ऐसे करके घुमाइए, इसको हल्का सा ढीला कर दीजिए ये नॉब को। ठीक है, अब देखिए ऐसे करके पूरा जो है 360 डिग्री आराम से, फिर यहाँ से टाइट कर दीजिए, देखिए ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे कर दीजिए ये ढीला करके, फिर उसके बाद ये वाला ढीला करके ऐसे करके, मान लीजिए ये वाला ढीला कर रहा है, ठीक है, अब देखिए ऐसे रखना, तो ऐसे करके फिर टाइट।
अब जैसे कोई नीचे बच्चा है उसका फोटो खींचना है आपको, और आप चाहते हैं कोई एंगल वाला पिक हो, उसके लिए क्या कीजिए, इसको ढीला कर दीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बच्चा है आपका और आप वहाँ से खींचना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, एकदम टाइट कर दीजिए, और चाहते हैं कि और हाइट का आप वहाँ से खींचना चाहते हैं तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, एकदम टाइट कर दीजिए, और चाहते हैं कि और हाइट बढ़ा, हाइट बढ़ाने वाला भी देखिए इसको, ये वाला नॉक को जो है ना इस वाले को आ रहा है, ये नीचे वाला नॉक, इसको ढीला कर दीजिए, ऐसे उठा दीजिए, ठीक है, अब देख लीजिए ऊपर चला गया, देख रहे हैं, आ रहा है, आ रहा है, देख रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिए, ढीला ऐसे कर, एकदम क्लियर आ रहा है, अरे ये आ रहा है। अभी इसको डिसमेंटल कैसे करना है ये पूरा समझना है कि ये वाला नॉब जो है वो हाइट एक्सटेंड करने के लिए, ये वाला भी नॉब जो है नीचे वाला, ये वाला जो नॉब है ये भी हाइट एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन ये वाला जो नॉब है आपका ये लॉक करने के लिए, ठीक है, ताकि ये पोर्शन जो है लचके ना, कभी इधर खसक रहा कभी उधर खसक रहा वैसा ना हो, ये लॉक करने के लिए ताकि ग्राउंड पे ग्रिप बना रहे, रिजिड रहे, समझे। चलिए ऊपर, ठीक है, अब इसको डिसमेंटल कैसे करना है, पहले तो सबसे पहले आप इसका फोन निकाल दीजिए, आप क्या कीजिए, क्या देख रहे हैं इसको नॉक को जो है क्या करना है आपको, ढीला करना है, ठीक है, ढीला करके आपको किसी भी एंगल में रखना है, वो टाइट कर देना है, ठीक है, अब ये देखिए इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है, इधर से उधर नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऐसे रखना आप, फिर उसके बाद फोन को ऐसे भी रह सकता है, एकदम कुछ नहीं होगा, और ये गिरने से भी टूटता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मेटल का बना हुआ है, ओके, ठीक है, ये बॉल हेड का भी समझ में आ गया आपको कैसे डिसमेंटल करना है। आप यहाँ देखिए ये वाला नॉब खोलिए, ये वाला खोलिए पहले, ठीक है, और इसको जो है पूरा एकदम डाउन कीजिए, ठीक है, ये पूरा डाउन चला गया। अब क्या कीजिए, यहाँ से लॉक कीजिए, ठीक है, फिर इसको लॉक कीजिए, अब ये वाला देखिए इसको खोलिए, इसको खोलना है पहले, ठीक है, इसको पहले खोलना है, तब जा कर के जो है देखिए आप इसको पूरा पहले खोल लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ ये नीचे वाला जो है यहाँ पे पकड़ के, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे पकड़ना है, एक एक यहाँ पे पकड़ना है, या यहाँ पकड़ लिए, ठीक है, आ रहा है, और पीछे जाओ, ठीक है, आ रहा है। अब ये देखिए अब इसको लॉक जो करना है, ये वाला इसको ढीला कर दिए, इसको ये यहाँ पकड़ दिए, अब इसको डाउन करना है, ठीक है, अब इसको डाउन करें तो ये लॉक हो गया, ठीक है, अब इसको ऐसे कर दिए, तो ये रहा डिसमेंटल वीडियो, ठीक है, असेंबल एंड डिसमेंटल इस ट्राइपॉड का 7 फीट का, कैसे इसको मतलब ये करना है। एक बार क्वालिटी में फिर से एकदम सामने ला के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये देख लीजिए पूरा अल्मोनियम है, एलॉय है, इसमें जो है ना मतलब कि प्लास्टिक का काफ़ी कम चीज़ यूज़ किया गया है, ये मतलब कि आराम से आपको चल जाएगा, उतना गिट टूटने वूटने का भी डर नहीं है, बस आप इसको जो है ज़्यादा ज़बरदस्ती इसका पैर वैर खींचे ना, जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है, और कुछ नहीं। और कोई भी इशू होगा तो मैं आपको फिर जो है अपना नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप, कभी भी कोई भी इशू हो कॉल कर लीजिएगा, इसका पार्ट्स वार्ट्स भी मैं अवेलेबल कर दूँगा।